आखिर इतिहास के पन्नों में 21 जुलाई की तारीख दर्ज करते हुए द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गईं। उन्हें 64% से अधिक मत मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को महज 36% वोट ही मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामहिम मुर्मू को लोगों के लिए आशा के किरण बताया, खासकर गरीबों, वंचितों और दबे कुचले लोगों के लिए। सबसे पहले मुर्मू को बधाई देने भी मोदी ही पहुंचे। ओडिशा के मयूरभंज जिले के छोटे से गांव में खपरेल वाले घर में जन्मी साधारण गरीब आदिवासी परिवार की बेटी ने पहले लिपिक, फिर शिक्षक बनकर पेशेवर जिंदगी की शुरुआत की। इसके बाद वार्ड पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक जीवन का आगाज कर विधायक से होते हुए पहली आदिवासी महिला राज्यपाल होने का गौरव हासिल किया। ऐसी बेमिसाल शख्सियत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च संविधानिक पद पर आसीन हो रही हैं। वह हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी, इसलिए देश की प्रथम नागरिक भी होंगी। भारत का राष्ट्रपति होने के नाते तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमान भी मुर्मू के हाथ में ही होगी। द्रौपदी मुर्मू के विवाह का भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। पढ़ाई के दौरान ही उनकी श्यामचरण मुर्मू से मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और आगे का जीवन साथ व्यतीत करना चाहते थे। परिवार की रजामंदी के लिए श्यामचरण अपने चाचा व रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी के घर गए, लेकिन द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इस पर श्यामचरण 3 दिन तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डाले रहे। तब द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। उस समय संथाल समुदाय में लड़के वालों की ओर से लड़की के परिवार को उपहार दिए जाते थे, तो श्यामचरण के परिवार ने द्रौपदी को एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए। इसी के साथ दोनों का विवाह धूमधाम से हो गया। भारतीय आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश को एक सशक्त राष्ट्रपति मिलने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।